हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी भी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है हमारा। आज की ये वीडियो आप लोगों का ओपिनियन जानने के लिए है। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि CMO के सिलेबस आप थोड़ा स्टार्ट किया जाए करके, लेकिन CMO का जो सिलेबस है उसमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे CGPSC सिलेबस से काफ़ी हट के है, आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। तो मुझे बस ये जानना है कि आप में से कितने लोगों ने CMO का फॉर्म भरा है। अभी एट प्रेजेंट हमारे CGPSC ई पाठशाला में लगभग 12,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। तो अब आप भी बताइए कि आप लोग को कौन सा कंटिन्यू करना है, CGPSC का सिलेबस कंटिन्यू करना है कि CMO का सिलेबस कंटिन्यू करना है। इसके लिए मैंने जो हमारा CGPSC ई पाठशाला को जो कम्युनिटी टैब बना हुआ है उस कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहाँ पे एक पोल मैंने जनरेट करके रखा है। उस पोल में जाकर के आप वोट दीजिए। उसमें दो टॉपिक्स बने हुए हैं, एक CMO का बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है आपका CGPSC, मतलब अकॉर्डिंग टू द CGPSC सिलेबस। अकॉर्डिंग टू द CGPSC सिलेबस में आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स चल रहे थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का टॉपिक बचा हुआ है वो कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे, केंद्रीय बजट करेंगे, छत्तीसगढ़ बजट करेंगे, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और जो आपका CMO वाला जो है उसमें केवल CMO के टॉपिक लेके चलेंगे। CMO के टॉपिक मतलब जो टॉपिक आपको कहीं मार्केट में मिल नहीं रहा है, जैसे आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, और आपका जो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है, ये सारे टॉपिक को हम उसमें कवर करेंगे। तो ये अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है, CMO पढ़ना है कि CGPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे बढ़ना है। 12,000 सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने CMO का फॉर्म भरा है। तो आप जाइए, फेसबुक पेज में भी मैंने एक पोल उसमें भी जनरेट करके रखा है, फेसबुक पेज में जनरेट करके रखा है, टेलीग्राम चैनल में जनरेट करके रखा है, यहां तक कि हमारे यूट्यूब चैनल के आपके कम्युनिटी टैब में भी मैंने एक पोल जनरेट करके रखा हुआ है। अभी 3-4 दिन हम वेट करेंगे, उसमें आप लोग के जितने भी वोटिंग आए रहेंगे तो उसमें मेजोरिटी विन रहेगी, यानी जिसमें ज्यादा वोट पड़े रहेंगे हम उसी सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा जाके उसमें वोट कीजिए, फेसबुक पेज में जाके वोट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में जाके वोट कीजिए, लेकिन एक बार जाकर के वोट कर दीजिए ताकि हमें भी मालूम चले कि कितने हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने CMO का फॉर्म भरा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट वीडियो आएंगे। फिलहाल तो अभी 1-2 रोज में आपका जो छत्तीसगढ़ का जो जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर बचा हुआ है उस पर भी एक वीडियो आएगा। तो आपके पास लगभग 2-3 दिन का समय है, तो 2-3 दिन के समय में आप कभी भी टाइम निकाल करके जा करके वहाँ पर एक बार वोट डाल दीजिएगा। तो हमको क्या है, आप जो भी उसमें सेलेक्ट करेंगे, जो पोल में जो भी 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से जो भी मेजॉरिटी रहेगा उसके हिसाब से हम हमारा सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं अभी CGPSC प्री का जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसे कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। बहुत लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, क्या जाएगा। तो देखिए, इसके ऊपर भी मैं आप लोग को एक जो मैसेज मैंने आप लोग को फॉरवर्ड कर दिया था फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू, कम्युनिटी टैब में भी मैंने आपको ये मैसेज कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के कमेंट आ ही रहे हैं। तो देखिए, जो ये जो कट ऑफ मार्क्स ये मेरे हिसाब से है कि जो जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ मार्क्स जाएगा 58%, OBC का जाएगा 53%, SC कैटेगरी का जाएगा यानी अनुसूचित जाति का जाएगा 42%, और ST कैटेगरी का 38% के हिसाब से मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ मार्क्स जाना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स पिछले बार से काफ़ी बढ़े हैं, उसका मेन रीज़न ये है, देखिए पेपर इजी आया नहीं आया ये सवाल नहीं है, पेपर में जो एक ऑप्शन हट गया इनमें से कोई नहीं, उसके कारण लोगों ने जो रिस्क लेकर के गैस करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और उनके क्वेश्चन सही भी हुए हैं। ठीक है, तो एक जो आपका 5 में से जो 4 ऑप्शन हुआ उसके कारण ये आपका कट ऑफ मार्क्स बढ़ा है। हो सकता है इससे कम में भी आपके सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरा मानना तो फिलहाल यही है जो मुझे लगा कि इतने में सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ बढ़े हैं इस बार नो डाउट। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कीजिए। इसके बाद मैंने ये भी देखा है कि कई लोग इसका जो मार्क्स कैलकुलेट करने में भी गलत कर रहे हैं। देखिए, इसमें गलती मत कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसमें से यदि आप देखेंगे तो आपका जो रॉन्ग हो रहा है, मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन इसमें से गलत हो गया, तो आपका जो क्वेश्चन राइट कितना हो रहा है, 50 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन से आपका कैलकुलेशन चालू होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, जो है आपका टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 2 × राइट क्वेश्चन − 2/3 आपका रॉन्ग क्वेश्चन, यानी
एक क्वेश्चन सही होने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, वहीं गलत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.66 मार्क्स काट लिया जाएगा। बहुत लोग जो मैंने देखा जो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, उन लोग यहाँ पे आपके 2/3 न लेकर के वो 1/3 ले रहे हैं। उनका क्या कहना है कि पीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 यानी 33% रहेगा। ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसे समझिएगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपका आपको उसका निर्धारित अंक दिया जाएगा, और क्वेश्चन गलत होने पर आपको मतलब आपका उस निर्धारित अंक का 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आपका निर्धारित अंक कितना है, एक क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वही क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका निर्धारित अंक का 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो वही निर्धारित अंक 2 है तो आपका 2 का 1/3 कितना होगा, 0.66 होगा। तो कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग कीजिए और उसके हिसाब से अपना ये फॉर्मूला में रख करके अपना देख लीजिए कट ऑफ मार्क्स आपका कितना जा रहा है। तो ऐसे कीजिएगा, तो वैसे ही जैसे आपका ये 50 क्वेश्चन है तो आपका ये 50 क्वेश्चन का कितना निकल जाएगा, 100 मार्क्स आ गया। अब मान लीजिए गलत हो रहा है, गलत कितना हो रहा है आपका 10.66 × 10, तो कितना हो रहा है आपका ये लगभग 6.6, मतलब इसको 7 ही लेके चलिए, तो आप 100 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 93। तो आपका ये इतने मार्क्स आएंगे इस एग्जांपल के हिसाब से। तो आप अपना मार्क्स ऐसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये गलत फहमी मत लीजिए रहिएगा कि आपका 0.33 मार्क्स कम होंगे, यानी 33 का मतलब ये नहीं कि आपका 1/3 मार्क्स कम हो रहा है, आपका 2/3 मार्क्स कम होगा, क्योंकि आपका निर्धारित अंक का 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और अपना ये निकाल लीजिए। ये तो आपके मेल कैटेगरी का है, फीमेल कैटेगरी जो है आपका हर 1% में से आप 2% या 3% कम कर लीजिए, उतने में आपका फीमेल कैटेगरी के मार्क्स भी काउंट हो जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इसको तो मैं फिलहाल आपका बाउंड्री लाइन लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी बढ़ जाए। जब मैं भी CGPSC का एग्ज़ाम दिया, मैंने भी जब मैं बाहर निकला तो मुझे जो लोगों के सुनने के लिए मिले, मैक्सिमम लोगों ने आपके 60+ 70 65 ऐसे क्वेश्चन हर किसी ने अटैम्प्ट किया, यानी ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट ने लगभग आपके 55 से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ही है, ठीक। पहले जहां लोग जो पिछले अभी 2-3 सालों से जो एग्ज़ाम हो रहे थे CGPSC के, उसमें मैक्स टू मैक्स लोग 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, इस बार लगभग 15-16 क्वेश्चन सभी ने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया है, केवल आपके एक क्वेश्चन के न रहने पर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक ऑप्शन वही हुआ करता था, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, अपना मार्क्स निकालिए, जिनका मार्क्स आ रहा है जो सेफ जोन में है वो अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मेंस की जो सिलेबस की काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, इस बार का सिलेबस काफ़ी अच्छा बना है, लास्ट पेपर में थोड़ा नई चीज़ें ऐड हुई है, लेकिन ठीक है, आपका मैथ्स और साइंस मर्ज हो गया है, संस्कृत भाषा हटा दिया गया है, और आपका भारत का भूगोल जोड़ दिया गया है, पहले भारत का भूगोल नहीं था, भारत का भूगोल भी आपका ऐड कर दिया गया है। हड़बड़ी में मार्केट से कोई भी नया बुक मत लीजिए, कोई भी कोचिंग सेंटर ने अभी तक नए सिलेबस के हिसाब से अपना बुक पब्लिश नहीं किया है, कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद आपके मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स आएंगी, उस बुक्स जो नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट होकर के बुक आएंगी, क्योंकि काफ़ी नए टॉपिक्स के ऐड हुए हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ हमारे कंटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो मैंने आपको बीच में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 महीने पहले से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मैं भी पीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, तो बीच में थोड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो हमारा CGPSC ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर बताए थे, जो मैं आपको जुलाई माह से पढ़ाते आ रहा हूँ, जुलाई माह भी छोड़िए, मैंने आपको जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक का पूरा 1 साल का करंट अफेयर मैंने आपका कवर कराया, ठीक। अब हुआ क्या कि एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान ने, जिनकी जो आपकी जो बुक्स है काफ़ी अच्छी चर्चित बुक है उनकी मार्केट में, उन्होंने हमारे YouTube चैनल से कंटेंट चोरी कर लिए। मैंने आपको कुछ प्रूफ भी आपको चैनल पे मैंने डाला था कि चीज़ें हुई है, मैंने क्या किया, उनके बुक्स का फ़ोटो और आपके जो हमारे ये वाइट बोर्ड का फ़ोटो, दोनों को मर्ज करके मैंने आपके सामने रखा, आपको भी दिखा हुआ कि टू दी पॉइंट चीज़ें कॉपी हुई। एक्चुअली में मेरे पास जनवरी के समय से कुछ एक दो मैसेज आ रहे थे कि आप एक कोचिंग सेंटर की, देखिए मैं ना ही कोचिंग सेंटर का नाम लूँगा ना ही मैं वो बुक का नाम लूँगा, क्योंकि मैं ये बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ये बात मैं भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उसका भी एक कारण है।
मेरे पास बहुत सारे लोग का कमेंट आए थे जनवरी के एंड में कि आप एक कोचिंग सेंटर की बुक से आप चीज़ों को कॉपी करके मतलब उनके कंटेंट उठा करके अपने वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि देखिए क्या करंट अफेयर का कोई भी एक निश्चित सोर्स होता नहीं है, हो सकता है एक दो चीज़ें मिल जाती होगी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर है, वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो पढ़ाए हुए चीज़ें हैं, जो बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें हैं, वो टू दी चीज़ जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, वो उस बुक में कॉपी हुई है। तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा। तो शुरू में मैंने जब देखा तो उन्होंने जब उनका जो भेजा गया एक तो फोटो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, उस समय भी मैंने इस पर गौर नहीं किया, मुझे लगा कि हाँ दो चार पॉइंट कॉपी हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे गौर करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे पाँच छः फोटो और भेजे, तब मुझे मालूम चला कि इस बुक में बहुत सी चीज़ें कॉपी हुई है। उनका कहना है कि चार पाँच पेज, अरे तो चार पाँच पेज भी कॉपी किए हो तो क्यों किए हो, किसी का मेहनत को ऐसे ही ले करके आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या चीज़ें उसमें कॉपी हुई है, एकदम एज इट इज़ चीज़ें कॉपी हुई है। जो चीज़ें मैंने गलत लिखी थी बोर्ड में, भले हम मैंने उसको नेक्स्ट क्लास में सुधरवाया था, उसको भी सेम टू सेम लिख दिए। जो चलती फिरती भाषा में जो मैंने आपका लैंग्वेज यूज़ किया था कि कुछ चीज़ें इस बार की विधानसभा में पहली बार उपयोग में मतलब यूज़ हुई, वो चीज़ों को भी उन्होंने उठा करके सेम टू सेम आंकड़े, सेम टू सेम सब चीज़ उन्होंने कॉपी कर दिया। मैंने वो छोटा सा उसके ऊपर आर्टिकल लिख करके कंटेंट जो अपने प्रूफ के साथ मैंने उसे डाले, उसके बाद फिर मैंने एक दो रोज़ बाद उसे हटा भी दिए। जब मैंने ये कंटेंट डाले फेसबुक पेज के ऊपर तो काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन जब मैंने इसे हटाया तो काफ़ी निगेटिव कमेंट भी आए मेरे पास। कुछ लोगों का ये कहना था कि आपको इसे हटाने की ज़रूरत क्या थी, आप उनसे डर गए क्या। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप पैसा खा करके चुप हो गए, जब आपको ऐसा ही करना था तो आपको वीडियो मतलब आपको ये सारे ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि आप उनसे पैसा ले लिए, डर गए, इसके कारण अब आपने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया। मैंने तो आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि एक महीने में वीडियो बनाने नहीं वाला हूं। और रही बात पैसे कमाने की ना, तो अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो मैं ये दोनों प्रूफ जो आप लोग के सामने मैंने सोशल मीडिया पे रखा उसको लेकर के मैं पहले उन लोग के पास जाता और बोलता कि मुझे इसके एवज में पैसा दीजिए, वरना मैं इसे पब्लिकली ला दूंगा, सोशल मीडिया पे ला दूंगा करके। लेकिन उस चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। तो ये जो निगेटिव कमेंट कर रहे थे ना, उनको जवाब देने के लिए मैंने ये चीज़ों को अभी आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने एक महीने का समय लिया था कि मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद के लिए अपने पीएससी के लिए तैयारी करनी थी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, आप सभी को मालूम होगा कि मेरा जो पर्सनल नंबर है फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल के थ्रू हर किसी के पास लगभग बटा हुआ है, तो जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर फैली तो उनके एकेडमिक की तरफ से फिर मेरे पास कुछ समय के बाद कॉल आने चालू हो गए। कॉल आए, बात तो ये अच्छी रही कि उन्होंने शुरू में अपनी गलती मानी कि नहीं, चीज़ें हमने कॉपी करी है, और उन्होंने सामने से माना कि हमने बुक में आपके कंटेंट उठाए हैं। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे पेज में जब ये चीज़ें शेयर हो गई तो किसी न किसी इनके जो सपोर्टर रहे होंगे या जो इनके स्टाफ के मेंबर रहे होंगे, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया फेसबुक में, तो जिसके कारण मैं अपना फेसबुक पेज एक्सेस नहीं कर पा रहा था। जिसके कारण मैं जब इन्होंने गलती मान ली और सामने से इन्होंने माफ़ी मांगी, तो मैंने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना फेसबुक पेज एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन इनको क्या लगा कि मैं इस चीज़ों को हटाना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ समय तक ये मुझे कॉल करते रहे, यार रात के 11-12 बजे इनके कॉल आ रहे हैं, जिस चीज़ों को मैं अपने फैमिली तक नहीं पहुँचाना चाह रहा था, मेरे फैमिली वालों को ही मालूम चल गया। मेरे फैमिली वालों को ये नहीं मालूम कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, इन लोग के चक्कर में ये सारी चीज़ें उनके तक पहुँच गई। रात के 12 बजे यदि आपके पास कॉल आ रहा है तो लोग क्या समझेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी बहस चल रही है, तो मेरे घर वालों को भी पता चल गया ये सारी बातें, मेरे को बोल रहे हैं। जब इनके हाथ से जब बात निकलती नज़र आई ना, तो देखिए आप लोग के द्वारा जो सुन रहे होंगे, यदि आप लोग भी यदि ये वीडियो देख रहे होंगे वो कोचिंग सेंटर वाले, तो आप लोग के द्वारा एक ही जो कही गई बात है ना, वो सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी मेरे को। इन लोगों ने लास्ट में मुझे क्या कहा कि हम चाहे, देखिए मैंने ये जो आपके सामने जो प्रूफ रखा था, तो मैंने पहले चेक किया कि इनका बुक आया कब है, जनवरी 2019 में इनका बुक आया है। मेरे यूट्यूब चैनल में जो करंट अफेयर के वीडियो कब से आ रहे हैं, लगभग जुलाई माह से आ रहे हैं। तो इनका क्या कहना था कि हम चाहे तो हमारा एकेडमिक इतना बड़ा है, इसमें जो आपके जो करंट अफेयर के जो कंटेंट वाले हैं ना, उसका 3-4 प्रिंटआउट निकाल करके उसमें 6 महीने पहले का डेट डाल करके ये बता सकते हैं कि ये हमारा क्लास नोट्स है और आपने इसे कॉपी किया है। मतलब समझ रहे हैं, जब चीज़ें इनके हाथ से निकलती नज़र आ रही है तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि इसी चीज़ को हम एक प्रिंटआउट निकाल सकते हैं जिसमें 6 महीने पहले का डेट डला होगा और लोगों के सामने रख करके ये बोल सकते हैं कि आपने हमारे क्लास नोट्स को कॉपी किया है। लेकिन आज के समय में आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर मैंने अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पे शेयर करके रखा है तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे मोबाइल में भी कॉल रिकॉर्डर है, जितनी भी बातें हुई है सारे कन्वर्सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है।
और जो मैंने कंटेंट इकट्ठे किए ना, आप क्या बताएंगे? नाबार्ड रिपोर्ट के ऊपर मैंने जो करंट अफेयर में जो वीडियो बनाया था, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि नाबार्ड रिपोर्ट का जो कंटेंट मैंने उठाया वो उठाया कहाँ से है। और आप ये बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले का, ये आप अपनी छोटी सोच बता रहे हैं। एक बड़ी संस्था में होने के बाद आप ये बात जताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे चोरी अपनी चोरी को छुपाने के लिए कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। आपने क्या कहा? हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। मतलब आप तो इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं ना। आप लोगों से डर करके मैंने इस चीज़ों को नहीं हटाया, इन लोगों से मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे लिए डरने के लिए कुछ है नहीं। मैंने कोई चोरी की नहीं तो मैं डरूंगा क्यों इन लोग से? केवल मुझे एग्ज़ाम की तैयारी बिना किसी हेडेक के करनी थी। आप लोगों के इतने अलग अलग जगह से कॉल आए, इतने अलग अलग जगह से इन कोचिंग सेंटर के जो एकेडमिक वालों के इतने इतने जगह से कॉल आए। कोई लोग अच्छे बात कर रहे थे। देखिए कुछ लोग, कुछ कॉल इनके सपोर्ट में आए तो कुछ कॉल इनके अगेंस्ट में आए। उनका ये कहना था कि आप इनके लिए आवाज़ उठाइए, हम आपका साथ देंगे करके। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी एग्ज़ाम के समय में, तो मैं ये चीज़ों को उस समय उठाना नहीं चाह रहा था। आज भी इन चीज़ों को उठाया नहीं रहता, लेकिन इसको उठाने का एक ही कारण है जो आपने कहा कि हम 6 महीने पहले का डेट डाल करके अपना इसको क्लास नोट्स बता सकते हैं। ये आप अपनी छोटी सोच बता रहे हैं। आज के इस वीडियो को देख करके अब दोबारा मेरे पास कॉल करने का कोशिश मत कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने दबा दी थी, इस चीज़ को फिर से उठाने का कारण क्या है। अब अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिएगा, ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डेड मेरे पास है। मैं इसको आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं उस चीज़ को कहीं बाहर लाऊंगा भी नहीं, लेकिन मेरे पास आप लोग की तरफ से किसी भी प्रकार का दूसरा कॉल आना नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों ने बच्चा समझ रखा है क्या? क्या कह रहे हैं जानते हैं आप लोग? फ़ोन करके ये बोलते हैं कि हम आपको जो हमारे बुक में आपका नाम डालेंगे, आपको नाम डाल के आपको क्रेडिट देंगे। अरे बच्चा समझ रखा है क्या भाई? जब ऑलरेडी बुक मार्केट में फैल चुकी है तो क्या आप लोग नाम दे दोगे? अगर नाम देना ठीक है, नाम देते, मैं तो आप लोग का बुक प्रीफर नहीं करता, लेकिन जितने भी हमारे सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे होंगे तो नेक्स्ट ईयर इनके बुक आएगा, देखिएगा और बताइएगा मेरे को। जिस तरीके से मैंने इनका सारा प्रूफ सामने रखा, अगर ये मेरा नाम रखेंगे उस बुक में तो मैं भी फिर आप लोग के सामने वीडियो बना करके पूरे प्रूफ के साथ हर ग्रुप में, जितने ग्रुप में आप लोग का एविडेंस पहुंचा था वो सारे के सारे ग्रुप में मैं फिर से डालूंगा कि इन्होंने मेरे को बुक में अपना क्रेडिट दिया करके। मैंने मेहनत किया, मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे मेहनत के आप अपने बुक में डाल करके पैसा कमा रहे हैं। मैंने कोई पैसे का डिमांड भी नहीं किया आप लोग से, लेकिन फिर भी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपने पैसा खा करके वीडियो अपने जो कंटेंट है उसे हटा दिए करके। मुझे मेरे ही कंटेंट के लिए चोर बोल रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? छात्र हित में हमें जहाँ से भी लगे, फेसबुक पेज में आप क्या डाल रहे हैं कि हमको छात्र हित में जहाँ से भी आपका कंटेंट अच्छा लगेगा हम उठाएंगे? तो क्या आप छात्र हित में फ्री में बांट रहे हैं क्या बुक? पैसा कमा तो रहे हैं ना, भले 5 रुपये कमा रहे हो लेकिन कमा तो रहे हैं ना। किसी और का मेहनत को उठा करके अपना नाम चिपका करके, अपनी कोचिंग सेंटर की बढ़ाई छाप करके, उसमें आप इनडायरेक्टली मेरा ही तो मेहनत यूज़ किए ना। और मुझे बच्चा समझ के ये बोल रहे हो कि आपको हम अपने बुक में नाम देंगे? ठीक है, आप लोग के नेक्स्ट ईयर के बुक का मेरे को भी वेट रहेगा, देखता हूँ उसमें आप लोग नाम डालते हैं नहीं डालते हैं, मालूम तो चलेगी कि आपकी सच्चाई क्या है। तो बस यही बात आप लोगों के सामने रखना था। जो निगेटिव कमेंट आ रहे थे उन लोगों को थोड़ा जवाब देना था, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा वीडियो बनाया। बाकी इसको, ये मुद्दा को दोबारा उठाने का मेरा कोई कारण नहीं था। इन लोग की जो छोटी या गिरी हुई हरकत थी और जो इनका स्टेटमेंट था कि हम इसमें अपना क्लास नोट्स बता सकते हैं, हो सकता है कि अभी फिर से मेरे करंट अफेयर के वीडियोस आएंगे उसमें ये इस बार से फुल तैयारी के साथ उसी जो आपका जितने भी कंटेंट मैं बनाया रहूँगा उसी को इधर उधर उमा फेरी करके वो डेट वाइज अब अपने क्लास नोट्स में बंटवा सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब मैं लास्ट में, नेक्स्ट ईयर के लास्ट में ये हो सकता है कि इसे बता सकते हैं कि मैं इनके कंटेंट को कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो ये अपना बचाव जरूर करेंगे, तो आप भी समझदार है, देखते रहिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब आप लोग जाइए, जो पोल बना हुआ है उसमें जा करके आप अपना जो सेलेक्ट कर लीजिए, सीएमओ का चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सीजीपीएसई सिलेबस चाहिए, आप जा करके वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपना नया सिलेबस चालू करेंगे। बाकी जिनका कट ऑफ निकल रहा है वो मेंस की तैयारी कीजिए, बुक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट में अच्छी अच्छी बुक आएंगी, काफ़ी अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स की बुक आएगी। ठीक, चलिए, धन्यवाद।